बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज 30 अगस्त 2021, बढ़ते हैं एक वॉइस मैसेज की जानिब। ये मुझे मौसूल हुआ मीरपुर खास सिंध से, तो ये क्या पूछ रहे हैं ज़रा देखते हैं। बिल्कुल ठीक हूँ। सिंध में पैदा हो जाएगा, जिस जगह अमरूद हो जाता है वहाँ पिस्ता भी हो जाएगा, और इसके मेल और फीमेल की भी क्वालिटी होती है, या पहले ही इसकी ऐसा ट्रस्ट कर दिया जाता है जब खाली फीमेल ही लगाया जाता है, मेल नहीं लगानी तो जरूरत पड़ती है। ठीक। और अगर ये पौधे होंगे तो क्या हिसाब हमें प्लांट अप्लाई करेंगे, इसके बारे में तो इनको प्रॉम्प्टली मैंने जवाब दिया। बड़ी करे आया साई, मैं सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दूसरा ये है कि मैं कोई कारोबार नहीं करता, मैं तो इल्म की तकसीम करता हूँ, इल्म को तकसीम करता हूँ, बांटता हूँ, मैं अपना नॉलेज मुझे मालूम है शेयर करता हूँ, जो मालूमात होती हैं वो मैं शेयर करता हूँ लोगों में, लोगों तक फ्री पहुंचाता हूँ ताकि लोगों को फायदा हो जाए। जैसे आपने कहा कि क्या सिंध में हो सकता है, मेरी जान ये पिस्ता जो होता है ना, इसके लिए सर खुश्क मौसम होता है, ये चाहिए होता है, ये ठंडे इलाके का ये पौधा है, ये सर्द इलाकों का पौधा है। और मैं चूंकि जानता हूँ मीरपुर खास को बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे वो मीरपुर खास की आबोहवा कोई सर्द नहीं है, सर्द वो तो गर्म है, ये सर्द खुश्क मौसम में ये बढ़ता है और फल अलबत्ता जब फल देता है तो खुश्क मौसम में ही फल देता है, उस वक्त बारिश नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर आप कोयटा में आप देखेंगे, हाँ हमारा पिस्ता लगा हुआ कोयटा में, और इसी तरह सकरदू जो है ना शुमाली इलाका जात, उधर सकरदू उसमें पिशावर में भी होता, पिशावर में डेरा इस्माइल खान में भी लोग इसकी काश्त, खुश्क इलाका ये समझे कि होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं। बाकी आपने फरमाया कि क्या इसके लिए नर दरख्त और दूसरे, हाँ हर 6-7 जो दरख्त होते हैं उन पर सरपाशी के लिए एक नर दरख्त का होना, 6-7 मादा होंगे तो एक नर। वैसे ये तुख्म के जरिए ये जो बीज होता है इससे पिस्ता इसकी ग्रो अफजाइश होती है, ये उगाया जाता है और जो तुख्म के जरिए या सीड वो सारा मेल है, तो ये सीड से उगाए हुए सारे पौधे जो होते हैं नर निकलते हैं, और जिन्हें बाद में मादा दरख्त जो है ना उनसे चश्मे लेके ये जो बर्ड्स होती हैं उससे पैमदकारी करते बडिंग करते हैं। तो ये मेरी जान ये इसका आप मेरा प्रोग्राम देखें ना पिस्ता की काश, डॉक्टर अशरफ साहबज़ादा, डॉक्टर अशरफ साहबज़ादा सारी ये चीज़ें हर चीज दे रखी है मैंने, तो ये मेरा तो ख्याल है कि कामयाब नहीं होगा, लेकिन जो देखें जो लोग बेच रहे हैं हर बंदा अपनी प्रोडक्ट को बेचता है, दुकान को चमकाता है, वो लोगों को अपनी तरफ रागब करता है, बरगलाता है, वो कहते हैं कि जी हर जगह हो जाता है, तो ये तो मेरा ख्याल है कि मेरा नाकस इल्म जो है वो ये कहता है कि ये पिस्ता जो होता है ना सर्द सर्द खुश्क मौसम में बढ़ता है। ओरिजिनली जब हम देखते हैं ये चीन में इसी तरह ये जो अलजायर में बैर रोम के खिते इससे तलक रखता है, और ज्यादातर इटली में स्पेन में फ्रांस में देखे ना कितने, और बाद अमेरिका के बाद ऐसे हैं जहाँ ये काश्त किया जाता है।
چلے جی یہ ان کا تھا میرپور خاص رکھیں اور جب بھی آئندہ وائس میسج کریں تو اپنا نام اور جگہ کا نام بتائیں یہ بہت اچھے ماشاءاللہ ہیں اور انہوں نے پھر بتایا کہ میں کہاں کہ نام کیا ہے اور کہا السلام علیکم میرا نام مظفر حسین ہے اور میں میرپور خاص شہر میرپور خاص شہر سے اور ہاں اور کیا ہماری زرعی زمین ہے جو ہے یہاں سے خطرو روڈ پر جو ہے ہاں اس طرف ہے تقریباً 15 کلومیٹر میرپور خاص سے میرپور خاص سے 15 کلومیٹر اس کا آپ کا نام کاٹری ہوتا ہے ٹھیک اور ادھر ہے ہماری زمین ہے ٹھیک بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر ہمارے پیارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں ایک زبان اور دوسری شرمگاہ متفق علیہ دعاؤں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پورے سندھ کو سلام فیمان اللہ